जय जिनेन। एक बार फिर मैं नीता जैन अपना किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम मसाला वड़े बनाने जा रहे हैं, जो कि बिना मसाले के और बहुत ही कम तेल में बन के तैयार हो जाते हैं। ना ही मैदा, ना सूजी, ना ही किसी प्रकार का आटा और ना ही किसी प्रकार की झंझट। बस थोड़ी सी देर में फटाफट बन के तैयार हो जाते हैं हमारे मसाले वड़े। आइए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। चवले की दाल ले लेना 200 ग्राम, जो कि मार्केट में आसानी से मिल जाती है कोई भी किराना शॉप पर। बस इस दाल को एक मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसको पीस लेना है। ये मैंने दाल को पीस लिया है और बस इसको ज़्यादा बारीक नहीं करना है, इसको थोड़ा दरदरा ही पीसना है, जैसे सूजी होती है ना, बस इस प्रकार से। यहाँ मैंने हरी मिर्ची और थोड़ा सा अदरक ले लिया है। हरी मिर्च और अदरक आप अपने टेस्ट के अनुसार घटाया बढ़ा भी सकते हैं। अब इसके मैंने बारीक बारीक टुकड़े कर मिक्सी में पीस लेंगे। यहाँ मैंने थोड़ा सा पीस कर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए अच्छा मैंने बारीक पीस लिया है इसको। अब हम एक छन्नी लेकर इसमें से पानी को छान देंगे। ये देखिए मैंने पानी को छान के पेस्ट दोनों को अलग अलग कर दिया है। अब ये जो हमने दाल पीस के रखी थी उसमें जो हमने पानी अभी रेडी किया है उसको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। इस बैटर को हमें थोड़ा टाइट ही रखना है, एकदम गीला नहीं करना है इसे पानी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही डालें, एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना है। मुझे इसमें पानी थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा पानी फिर ऐड करूँगी। बस ये इस तरह का हमें बैटर रेडी करना है, बिल्कुल एकदम से टाइट। अब ये जो पानी बचा है इसे हम रहने देंगे और इसमें हम एक छोटी टेबल स्पून नमक डाल देंगे और इसे भी अच्छे से बैटर में मिक्स कर लेंगे। तो ध्यान रहे पानी नहीं डालना है। बस हम इस बैटर को आधे घंटे के लिए ढककर रख देंगे। हमारे बैटर को आधा घंटा हो चुका है। ये देखिए हमारी दाल ने सारा पानी सोख लिया है और हमारा बैटर और टाइट हो चुका है। अभी इस बैटर को हम मिक्सी के ग्राइंडर में डाल देंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसे पीस लेंगे। जो पानी हमने बचाया था ना, बस उसी पानी का हमें इसमें यूज़ करना है और थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करें। ये हमारा बैटर देखो रेडी हो चुका है। इसी तरह का हमें टाइट रखना है। जितना पानी बाउल में था सारा पीसने में यूज़ हो चुका है। बस अभी इस बैटर को हमें थोड़ी सी हाथों की कसरत करते हुए अच्छे से फेंटना है। ये बैटर अपने आप में फूल के दुगना हो जाएगा। हमें इसमें ना ही कोई सोडा डाला है, ना ही किसी प्रकार का मसाला, सिर्फ दो चीज़ों से बनकर ये हमारे बैटर रेडी हो गया है। ये देखिए इसे अच्छे से फेंटना होगा। इस बैटर को फेंटने में हमें कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे। इस बैटर को फेंटते फेंटते आप देखिएगा इसका कलर भी चेंज हो चुका है और कितना स्मूथ हो गया है, फ्लफी हो गया है। ये देखिए हमारा बैटर अब फेंटने के बाद रेडी हो चुका है। इस तरह का होना चाहिए बैटर। यहाँ आप एक गिलास ले लेना, उसमें एक पाइपिंग बैग डाल देना, जैसे वो केक वगैरह बनाने के लिए लेते हैं ना, बस उसी तरह का। ये देखिए मैंने उस ग्लास में बैग को अच्छे से सेट कर दिया है। अब इसमें हम बैटर को डाल देंगे। अब ये आधा बैटर मैंने इसमें डाल दिया है और आगे से छोटा सा कट लगा दिया है। यहाँ मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तलना है। ये देखिए जैसे हम जलेबी बनाते हैं ना, बस ऐसे ही इसको शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से हमारे ये मसाला वड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। ये मसाला वड़े हैं लेकिन हमने इन्हें बिना मसाले के बनाए हैं। एक बार आप भी इन्हें घर पर ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी लगते हैं। इनको तलने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, फटाफट तले जाते हैं। और हाँ, इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही तलेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे वड़े तलकर रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और दूसरी प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसी तरह से हम बाकी के वड़े भी तल देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ सारे वड़ों को तल दिया है
और अब ये सब वड़े तल के तैयार है। इसमें थोड़ा सा मैं ऊपर से चाट मसाला डालूँगी और आप इसे सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमारा मसाला वड़े बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।